हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। इधर बीच दो दिन क्लासेस नहीं हो पाई, दरअसल नेटवर्क इशू और कुछ टेक्निकली दिक्कत थी जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई। तो तेज़ी से सब लोग जुड़ जाओ, एक बेहतर सा काम हो गया तो एक बेहतरीन सी बात मैं आप सभी से करूंगा। और आज जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे। आपको एक एक करके हम आज बताने और समझाने वाले हैं कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझना सीखना होगा। तो बहुत तेज़ी से सब लोग जुड़ जाओ। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज जो हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं, मैं बता दूं कि एलटी की वैकेंसी का जो सीन है, जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा वेट ना करें कि देखिए, यहाँ पर आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्ट जो शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ में हुए हैं, हालांकि इनकी तो लगभग इन्होंने 11 से 12 ट्रेजेडीज़ को इन्होंने लिखा है, और 12 ट्रेजेडीज़ के साथ साथ 4 ट्रेजेडी इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रही है, जिसको हुक्म के नाम से जाना गया है। हुक्म का मतलब एच से हैमलेट रहा है, ओ से ओथेलो रहा है, के से किंगलियर और एम से मैकबेथ रहा है। 4 इन बेहतरीन ट्रेजेडीज पर इन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया है। आज उन्हीं की इम्पोर्टेंट एक्ट और सीन की बात करेंगे। कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि एग्जामिनेशंस में आपको एक्ट और सीन दिया जाता है, पर्टिकुलर लाइन लिख देगा, उस लाइन में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्या इनका एक्ट है और क्या इनका सीन है। ये लिख कर के एग्जामिनेशन आपको देता है। पीजीटी का पेपर हो या टीजीटी का पेपर हो या एलटी का हो या यूजीसी नेट या जीआईसी प्रवक्ता या मतलब किसी भी तरह के टीचर्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन के अगर पेपर आप देने के लिए तैयार होते हो, तो मैं आपको बता दूं कि शेक्सपियर से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं। विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाले व्यक्ति रहे हैं। इनकी आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी आज इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट एंड सीन का जिक्र करेंगे, यानी कि आज एक्ट और सीन की अगर मैं बात करूं तो एक्ट और सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो इनके एक्ट और सीन का जिक्र आइए शुरू करते हैं। तो पहली बातचीत मैं आपके सामने लेना चाहूंगा, और पहली बातचीत आपकी हैमलेट से होगी। पहली बातचीत मैं हैमलेट से लेना चाहूंगा, और हैमलेट को लेकर के आखिर वास्तव में शेक्सपियर का क्या कहना था। हैमलेट एक बहुत ही बेहतरीन इनकी ट्रेजेडी रही, हालांकि इन्होंने ट्रेजेडी लगभग इन्होंने 11 ट्रेजेडीज इन्होंने लिख रखी है, लेकिन इन 11 ट्रेजेडीज में 4 ट्रेजेडी इनकी मोस्ट फेमस रही है। 4 ट्रेजेडी इनकी मोस्ट फेमस रही है। तो इसी का बहुत ही एक ह्यूज लेवल पर इसका हमें सेक्शन मिलता है।
तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की अपनी पहली बातचीत, और पहले ही सेगमेंट को देखकर समझना शुरू करते हैं कि हैमलेट में क्या बातें कही गई हैं, ठीक है ना। पहली ही बात जो कहा गया है कि एक्ट और सीन के पहले, मतलब अगर मैं कहूं कि बिफोर एक्ट एंड सीन, जैसे होता नहीं है कि हम ये कहें कि एक तरीके की भूमिका बनाई गई थी, एक तरीके की भूमिका बनाई गई थी, हम कहेंगे कि इन द ओपनिंग, मतलब बहुत ध्यान से समझना कि एग्जामिनेशन अगर आपसे पूछ ले कि आखिर हैमलेट की ओपनिंग सीन थी क्या, तो ओपनिंग में ही इन द ओपनिंग सीन इंट्रोड्यूस्ड वेरी वेल, बहुत अच्छे ढंग से ये बताया गया था वेरी वेल टू अस, किन के बारे में, हम सब के बारे में, ठीक है ना, टू व्हाट ऑल अस, यानी कि हम सब के बीच क्या था हैपनिंग, क्या हुआ था डेनमार्क शहर में, ठीक है ना, इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क की ही तो ये कहानी है, डेनमार्क ही तो इसकी स्टोरी है। तो डेनमार्क में आखिर हुआ क्या, पहला इंट्रोडक्शन हुआ है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द सीन ऑफ बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी, तो आप ये बता देना कि कुछ और नहीं, हुआ क्या था यही बात बताना, वहां पर बेहतरीन से काम हुआ है। बहुत ही अच्छे ढंग से एक दूसरी बात इसी में आपको समझना होगा, जब एक्ट वन और सीन वन की बात आती है, एक्ट वन और सीन वन की बात आई, एक्ट वन और सीन वन में क्या हुआ, ठीक है ना, बहुत ध्यान से इस चीज को समझते चलना। इस जगह पर क्या हुआ है कि मीट द प्रोटैगनिस्ट, यही एक्ट वन और सीन वन में ही प्रोटैगनिस्ट से मीटिंग हुई है, और एंड इट आल्सो रिवील्स टू, और यह रिवील हुआ है इसी समय पर, रिवील हुआ है टू अस द इंपॉर्टेंट मेन मेजर, मुख्य रूप से कैरेक्टर बनाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का जिक्र किया है, ठीक है ना। द स्टेट ऑफ अफेयर्स, द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन डेनमार्क, मतलब ये कि यहां पर ये बात निश्चित तौर पर बताने की कोशिश की गई है कि हमने क्या बात कही है, और
अगर यहीं पर एक छोटी सी और बात मैं बता दूं तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होगा जानना। अंत में लास्टली ओपन एवरीथिंग टू हैमलेट, हैमलेट से अंतिम में सब कुछ बताया है ना। ओपन्स अप हैमलेट टू अस, नोट करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अगर बात तीसरी समझें तो अगला एक्ट है, एक्ट वन है सीन फाइव है, दूसरा एक्ट और पांचवा सीन। इसमें समथिंग इज रोटन इन डेनमार्क, कुछ तो है। और यही वो वक्त था एंड इंटेंसिफाई भी हुआ है क्या हैमलेट्स सफरिंग। हैमलेट परेशान हुआ है, हैमलेट को दिक्कत हो रही है, ये बात एक्ट वन सीन पांचवें में ही बताया है। एक्ट वन सीन पांचवें में ही रिवील हुआ है। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात मैं करूं एक्ट थ्री सीन पांच, इसको एक शब्द में कहूं तो ननरी सीन कहा गया है। एक शब्द में इसे अगर बताने की कोशिश की जाए तो ननरी सीन्स कहा गया है। और छोटी और एक बात इसी में, इट नोज वेरी वेल दैट, ये एक और तरीके में बहुत अच्छे से जाना जाता है, ठीक है ना। टॉक्स अबाउट, यहां पर बात हैमलेट और ओफिलिया के रिलेशनशिप की बात भी की गई है। हैमलेट एंड ओफिलियाज रिलेशनशिप, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि हैमलेट और ओफिलिया के रिलेशनशिप किस सेगमेंट में कहा गया है, किस पार्ट में कहा गया है, बताएं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं,
पोलोनियस और क्लॉडियस का भी जिक्र यहीं आया है। पोलोनियस और क्लॉडियस का जो जिक्र है इंक्लूडेड पोलोनियस एंड क्लॉडियस इंक्लूडेड इटसेल्फ। और यहीं पर हैमलेट्स एगोनी का भी जिक्र हुआ है। यहीं पर हैमलेट की एगोनी का जिक्र हुआ है। आपको पता होगा कि जब किंग हैमलेट यानी कि हैमलेट के पिता की मृत्यु हुई है, उसकी पत्नी ने खुद मारा था क्योंकि उसके भाई से उसका प्रेम था, देवर से, जिसकी वजह से अपने पति को ही मार डाला। और साथ ही साथ आपको ये बात पता होगी, आप जानते भी हो, स्टोरी पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे ढंग से बता दूंगा, मगर मैं बता दूं कि यहां पर एक्ट 3 एंड सीन 5 में ये बात बताई और समझाई गई है कि यहां पर ओफिलिया और हैमलेट का लव चक्कर है, मगर कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ओफिलिया भी बड़े डाउटफुल में रहती है कि आखिर क्लॉडियस और पोलोनियस का क्या सीन है। आखिर वो जो भी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उस ऑर्गेनाइजेशन की टीम है या नहीं, इस बात को लेकर के काफी देर तक डाउट में रही है। मगर यही वो सीन है, यहीं पर वो कंफर्म हो जाता है, यहीं पर वो सुनिश्चित हो जाता है। बात समझ में आई? हां, नोट करिए तेजी से। चलो भाई, इनके बाद अगला एक इसका अगला सेगमेंट आता है जिसे हम कहेंगे कि एक्ट तीसरा और सीन दूसरा। एक्ट 3 एंड सीन 2 दूसरा सीन है और तीसरा ही एक्ट है। यहां पर प्ले विद इन प्ले की बात किया है। बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिएगा, रिश्तों को किस तरीके से खेला जाता है हैमलेट में, हैमलेट और ओफिलिया और क्लॉडियस गर्ट्रूड इन लोगों ने बता दिया। एक ऐसी ट्रेजेडी जो पूरी की पूरी लाइफ के ही सेटलमेंट को बिगाड़ दे। इस तरह से अगर ये सीन क्रिएट हुआ तो
यहां पर हैमलेट रिवील्स क्लॉडियस सिन, यानी तीसरे एक्ट और दूसरे सीन में हैमलेट ने क्लॉडियस के पाप को रिवील किया है, और यही वजह है, सो दैट द सीन ओपन्स विथ द वार। और यही वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सीन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है, मतलब अगर कहा जाए तो हैमलेट में युद्ध की स्थिति कब से शुरू हुई, तो हैमलेट में युद्ध की स्थिति एक्ट तीन और सीन दो से शुरू हुई। भाई जब वो जान गया कि मृत्यु का दोषी कौन, किसने मारा, तो क्या करेगा, किसी के पिता को मार दोगे तो क्या होगा, बोलो, युद्ध क्या हुआ है, हैमलेट बिटवीन क्लॉडियस, हैमलेट बिटवीन क्लॉडियस। इसके बाद अगले सीन की बात करें, एक्ट फाइव सीन वन, पांचवा एक्ट और सीन पहला, ग्रेवयार्ड सीन के नाम से जाना जाता है। द ग्रेवयार्ड सीन के नाम से जाना जाता है। और ये जो सीन हुआ है ना, दिस सीन ओपन्स विथ द फिलोसॉफी ऑफ शेक्सपियर की फिलॉसफी से इस सीन की शुरुआत होती है। कुछ स्टेटमेंट देते हैं, कुछ बात बोलते हैं, किसके लिए, ऑन द डेथ ऑफ ऑन द डेथ एंड ऑल्सो किसके लिए, मृत्यु के लिए, ठीक है ना, किस चीज के लिए, मरे तो हैं ही, ऑल्सो ओफिलिया के लिए भी, यहां पर ऐसा सीन क्रिएट हुआ। ठीक है, और यहीं पर हैमलेट ओपन्स हिज इमोशनल व्यू। यहां हैमलेट ने अपनी इमोशनल चीजों को दिखाया है, किस चीज के लिए, अदर देन द
फिलोसॉफिकल व्यू वन, फिलोसॉफिकल व्यू, शेक्सपियर का जो फिलोसॉफिकल व्यू था ना हैमलेट के लिए, उसको डिनाई करते हुए उसको इन्होंने डिक्लाइन किया पूरी तरीके से। और ये अपनी बात को बोलते हैं कि देर इज अ नो चांस एंड देर इज अ नो प्लेस टू फिलोसफी बिकॉज हर्ट बेस्ड ऑन द लव। हमारा दिल प्यार में है, फिलोसफी में नहीं है। बट यू नो फिलोसफिकल व्यू इज अ पार्ट ऑफ द लव। प्यार करना एक फिलोसफी ही है, इफेक्ट है। बात समझ में आई। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और मुद्दे की बात इसकी बता दूं, एक और मुद्दे की बात मैं बता दूं, अंतिम सीन इसका, इसका लास्ट सीन, द सीन मार्क्स विथ द डेथ ऑफ, यानी इस सीन में लोगों की मृत्यु के बारे में बताया है। ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की मृत्यु के बारे में यहां पर बताया गया है। जैसे गर्ट्रूड्स, गर्ट्रूड्स के लिए मृत्यु की बात बताई गई है ना। लार्टिस, क्लाडियस एंड हैमलेट, हैमलेट की, गर्ट्रूड की, लार्टिस की, क्लाडियस की मृत्यु की बात यहां पर बताई गई है अंतिम सेगमेंट में। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई, बहुत सुंदर। तो कुल मिला के अगर मैं हैमलेट की अलग अलग सेगमेंट की बात करूं तो हैमलेट अपने आप में एक बेहतरीन सा सेगमेंट तैयार हुआ। और फिर इसके बाद इनके सभी हम उन बातों पर विशेष ध्यान देते हुए बात को आगे समझ लिए। इसके बाद इन्हीं की एक और रचना आती है जिसका नाम है किंग लियर। किंग लियर, एक्ट वन सीन वन, एक्ट वन सीन वन, यहां पर एक बात बताई गई है बस जो हमें जानना है। किंग लियर्स
प्लेस. किंग लियर्स पैलेस के विषय में बात किया है. किंग लियर के पैलेस के विषय में यहां पर जिक्र हुआ है और कुछ और इंपॉर्टेंट सेगमेंट का चर्चा इन्होंने यहां पर किया हुआ है. जैसे जैसे केंट की बात की गई है, यहीं पर केंट का जिक्र आया हुआ है, यहीं पर ग्लेसेस्टर की बात चर्चा हुई है, यहीं पर एडमंड की बात हुई है. किंग लियर की तो बात हुई ही हुई है, एडमंड के साथ किंग लियर की तो बात हुई ही है. कॉर्नवॉल की भी बात यही हुई है, एल्बनी की भी बात यही हुई है, एल्बनी की भी बात यही इसकी जिक्र हुए हैं. एल्बनी के गॉनरेल की बात आई है, रीगन की बात आई है, कार्डेलिया की बात आई है, कार्डेलिया की बात का जिक्र हुआ है और अटेंडेंट्स की बात हुई है, अटेंडेंट्स की बात हुई है, यहीं पर अटेंडेंट्स का जिक्र आया है. फ्रांस और बर्गंडी आया है, फ्रांस का जिक्र आया है, बर्गंडी का जिक्र आया है, फ्रांस और बर्गंडी का जिक्र आया है, फ्रांस और बर्गंडी का जिक्र आया है. फ्रांस और बर्गंडी का जिक्र इसी सेक्शन में आया है, इसका ध्यान रखना. ठीक है, दूसरी बात इसी में, एक्ट वन सीन टू, एक्ट वन सीन टू में जो जिक्र आया है ग्लेसेस्टर्स के कासल की बात आई है. द अर्ल ऑफ ग्लेसेस्टर्स कासल की बात आई है, यहीं पर एक जिक्र आया है एडमंड द बास्टर्ड, एडमंड द बास्टर, और यहीं एक जिक्र आया है एडगर का, यहीं एक जिक्र एडगर का आया है. इसके बाद एक्ट वन सीन थ्री की बात करूं, एक्ट वन सीन थ्री की बात करूं, द ड्यूक ऑफ एल्बनी के जिक्र आए हैं, द ड्यूक ऑफ एल्बनी का जिक्र आया है. और रॉयलिटी का भी जिक्र किया है यहीं. यही रॉयलिटी का भी जिक्र आया है उसके.
गॉनरिल और स्वार्ड थे दोनों साथ में मिलके, गॉनरिल और ओसवाल्ड का जिक्र आया है, गॉनरिल और ओसवाल्ड का जिक्र आया है। एक्ट वन सीन फोर, ए हॉल इन द ड्यूक ऑफ इन द ड्यूक ऑफ एल्बनीज पैलेस का जिक्र है। एल्बनीज पैलेस का जिक्र है। इस जगह पर नाइट्स की खूब चर्चा हुई है, नाइट्स की खूब यहां पर चर्चा हुई है। एक्ट वन सीन फाइव, एक्ट वन सीन फाइव, कोर्ट की बात आई है। कोर्ट बिफोर पैलेस, यही एक फूल की मूर्खता भरी बात की गई है। यहीं पर एक फूल यानी मूर्ख की बात की गई है, जो कि और यहां पर ही फर्स्ट जेंटलमैन का जिक्र आया है। यहीं पर ही फर्स्ट जेंटलमैन का जिक्र आया है। चले, ये हो गई बात। अब एक्ट टू की बात आएगी, एक्ट टू की बात आएगी और एक्ट टू सीन वन क्या जिक्र था। एक्ट वन सॉरी एक्ट टू सीन वन, ठीक है, द अर्ल ऑफ ग्लेसेस्टर्स के पैलेस का जिक्र एक्ट टू सीन वन में किया गया है। यानी आपको दिमाग में यह बनाकर अब रखना होगा कि जो भी यहां पर जिक्र हुआ है ना, उन सभी को एक सेगमेंट में बनाकर रखना होगा। और आज हमने अभी
इतनी ही बात की है, बाकी बातें हम कल करेंगे, ठीक है, बाकी बातें हम कल करेंगे। इसी एक्ट और सीन की मेरी फिर से कल अगेन एक क्लास होगी, जिस पर और बेहतरीन से आगे के और एक्ट और सीन का जिक्र करेंगे। सो आज इतना ही, कल मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।